तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आपका पहले बीपीएल यानी पीला एवाई यानी गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ था और वह कट गया है या फिर आपके पास रद्द होने का मैसेज आया है तो उसे आप अब दोबारा चालू कैसे करवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आपका राशन कार्ड पहले नहीं बना हुआ था लेकिन अब जो नए राशन कार्ड बन रहे हैं वह आपका बनना चाहिए था क्योंकि आप गरीब हैं, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आप उसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कैसे कर सकते हैं, कटे हुए राशन कार्ड को दोबारा कैसे बनवा सकते हैं और अगर नहीं बना हुआ था तो अब आप कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो शिकायत के माध्यम से अपना राशन कार्ड है वो ऑनलाइन कैसे दोबारा से चालू करवा सकते हैं या कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है PPP ग्रीवेंस एडिशा और इसे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने परिवार पहचान पत्र की शिकायत दर्ज करने की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं अगर आपको उससे संबंधित कोई समस्या है। अब दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। यहां पर आपको क्लिक कर देना है ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों आपके सामने ये जो क्लिक हेयर का आइकन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आया हुआ है, आपको यहां पर फैमिली आईडी ये जो PPP ID वाला ऑप्शन है इसे ही सिलेक्ट रहने देना है और यहां पर अपनी फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान नंबर, परिवार पहचान पत्र नंबर इसके अंदर लिखकर आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो OTP आया है वो यहां पर आपको लिखना है। OTP लिखने के बाद आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो आपको रीसेंट OTP पर क्लिक कर देना है और जो OTP आपके पास आया है फिर आपको फिल करके वैलिडेट OTP पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार आपकी जो डिटेल है वो दिख जाएंगी फैमिली आईडी की। जैसे ही आप यहां पर देखते हैं तो आपके सामने एड ग्रीवेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अब यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है नेम ऑफ द सर्विस, सेवा का चयन करें, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने शिकायत दर्ज करने के लिए बहुत सी कैटेगरियां होंगी। जिस भी संबंधित आपको शिकायत दर्ज करनी है उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों अब हमें राशन कार्ड की सेवा की जो शिकायत है वो डालनी है क्योंकि हमारा राशन कार्ड कट चुका है। तो अब हमें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, राशन कार्ड PDS, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ग्रीवेंस टाइप वाला शिकायत का चयन करें, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं वो ओपन होंगी। अब आपको फैमिली आईडी इज इनकम इज इनकरेक्ट इस आइकन को, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपको दिखाया जा रहा है कि किस रीजन से आपको इस सेवा से, इस योजना से बाहर कर दिया गया है या इस योजना के अंदर शामिल नहीं किया गया। इसमें बताया गया है कि जो आपकी फैमिली का एक जो मेंबर है वो एक किसान है और उसकी जो इनकम है सालाना 1,80,000 से ज़्यादा है, इस माध्यम से इस तरीके से वो 1,80,000 से ज़्यादा इसने अपनी कमाई कर ली है। अब दोस्तों अगर ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर आपको रीजन दिखाया जा रहा है, अगर ये रीजन आप पर लागू नहीं होता, इस योजना ये जो इस तरीके से आपने ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं या ज्यादा आपके पास पैसे नहीं है तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, आपको यस आई वांट टू एड ग्रीवेंस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है जो यहाँ पर रीजन दिखाया गया है अगर आप उस रीजन में के अंदर आते हैं, यानी दोस्तों आपने 1,80 से या आपने ज्यादा फसल की बिक्री की है या फिर एक आप बड़े किसान हैं जो ज्यादा फसल उगाते हैं बेचते हैं, या फिर दोस्तों जो भी यहाँ पर रीजन दिखा रहा है आपके पास अगर जमीन का दिखा रहा है तो जमीन अगर आपके पास ज्यादा है तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं डालें क्योंकि दोस्तों आपके पास जमीन ज्यादा है, या फिर आपने
आप किसी नौकरी में कोई नौकरी करते हैं और उसके माध्यम से आपके पास ज्यादा पैसे आते हैं तो भी रिक्वेस्ट आप नहीं डालें, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी इनकम कम है तो ही आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डालनी है, तभी आपको इस सेवा का लाभ मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के जो ऑप्शन हैं वो आ जाएंगे। अब दोस्तों यहां से आपको मेंबर को सिलेक्ट करना है जिस मेंबर के नाम से आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं या जिस सदस्य के कारण आपका राशन कार्ड कट चुका है। अब दोस्तों यहां पर उसकी इनकम को आपको फिल करना है जितनी उसकी इनकम है। अब यहां पर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी एक दस्तावेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर दोस्तों आपके सामने चार दस्तावेज दिखाए गए हैं, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो वो आप सेलेक्ट करें, अगर आपके पास दोस्तों सैलरी सर्टिफिकेट है तो वो सेलेक्ट कर लें, आपके पास अगर दोस्तों आईटीआर है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों आपके पास ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें फॉर्म 16। अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आपको वह दस्तावेज अपलोड करना है जो आपने यहां पर सिलेक्ट किया है। अब आपके पास फॉर्म 16 तो नहीं है तो अब आप हाथ से एप्लीकेशन लिखकर या एफिडेविट बनवाकर भी अपलोड कर सकते हैं। हाथ से आपको सिंपल एप्लीकेशन लिख देनी है कि सेवा में खाद्य आपूर्ति विभाग या फिर ADC साहब, आप किसी के नाम लिख सकते हैं एप्लीकेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों लिखने के बाद आपको वो जो एप्लीकेशन है उसमें बता देना है कि हमारी इतनी इनकम है, हमारा राशन कार्ड नंबर था या आपकी फैमिली आईडी नंबर भी उसमें बता देना है। तो दोस्तों जो भी आपकी डिटेल है जिस भी कारण से आपका कटा है उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन लिख देनी है। एप्लीकेशन लिखने के बाद यहां पर आपको विवरण दे देना है, वैसे के वैसे फिर से लिख देना है, कुछ अक्षर ही आपको लिखने होंगे कि आपका इस कारण से राशन कार्ड कटा है और ऐसा हमारे कोई भी साधन नहीं है या फिर हमारी इस तरह से कोई भी कमाई नहीं हुई है, इसलिए हमारा जो राशन कार्ड है दोबारा चालू करने की कृपया करें। अब दोस्तों यहां पर ऐसा विवरण देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सबमिट का जो आइकन है वो यहां पर ब्लू कलर में आ गया है। जैसे ही आप सभी कंप्लीट डिटेल्स के अंदर फिल करते हैं तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको इसे यहां से सबमिट कर देना है। तो दोस्तों हाथ से आप एप्लीकेशन लिखकर भी अपनी जो शिकायत को अप्रूव करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं। लगभग 15 दिन के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन आप लगाते हैं उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जल्द से जल्द दोस्तों ये काम हो जाएगा क्योंकि अभी सरकार इसके लिए सचेत में है, जल्दी जल्दी इन कामों को कंप्लीट करवा रही है। जो भी शिकायत आ रही है उन्हें जल्दी जल्दी से ठीक करवाकर दोबारा से राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, दोबारा से राशन कार्ड चालू हो रहे हैं। दोस्तों ये जो तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो लगा सकते हैं। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द अपनी शिकायत लगा दीजिए अगर अभी तक आपने शिकायत नहीं लगाई है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कमी आती है तो मैं आपके लिए हाजिर हूं, कोई भी अगर आपको कमी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जवाहर, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।